हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया है क्लास 10 सेवा बोर्ड का, आसाम बोर्ड का इंग्लिश सिलेबस क्लास 10 का। कौन सा चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली में कितना मार्क होगा, फाइनल में कितना कितना मार्क होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्स में आपको समझाऊँगा। और ये वाला PDF मैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप में डालूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा अगर आप लोग डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं टेलीग्राम में तो BS ट्यूशन क्लासेस करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 क्लास 4 साल का नोट्स में डालते रहता हूँ। लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर क्लास 10 में है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास 11 में भी आपका नोट्स मिलेगा, यहाँ पर क्लास 12 का भी मिलेगा, ठीक है, रामार के साथ। ट्यूशन लेने का ज़रूरत है ही नहीं आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आएगा। सेक्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है। रीडिंग सेक्शन होगा, 2 पैसेज आएगा, 2 prose pieces, 1 seen another unseen, मतलब एक आएगा आपको किताबों में से, एक आएगा आपका बाहर से, ठीक है। एक पैसेज आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से आया है। हाफ ईयरली में आता है 5 मार्क और फाइनल में आता है 10 मार्क का, ठीक है, ओके। तो बी नंबर में आपका राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा देखिए। राइटिंग सेक्शन में आएगा ट्रांसलेशन, यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन, सब्सटेंस राइटिंग, दोनों में से एक का ही आंसर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में और है ऐसे राइटिंग, नहीं तो स्टोरी राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक को ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद लेटर राइटिंग, नहीं तो रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में से भी आपको एक को ही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा नोट्स हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका हाफ ईयरली में भी 11 मार्क का होगा और फाइनल में भी 11 मार्क का होगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन ऑल द ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 9 एंड डिटर्मिनर्स, देखिए आपने जो जो क्लास 9 में सीखा है वो तो आएगा ही, ठीक है, और उसके साथ साथ जो 9 में नहीं सीखा है वो भी आएगा, जिससे डिटर्मिनर आपने शायद 9 में नहीं सीखा होगा, ठीक है, तो इस बार आएगा डिटर्मिनर आएगा, टेंस फॉर्म आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, वोकेबुलरी, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वर्ब फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, क्लॉज एंड मॉडल्स, ये ग्रामर पार्ट आपका आएगा एग्जाम में। टोटल हाफ ईयरली में भी 16 मार्क का होगा और फाइनल में भी 16 मार्क का ही होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ डी नंबर देखिए, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। जो आपका टेक्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से कितना नंबर होगा, पोइट्री सेक्शन से, प्रोज से, पोइट्री सेक्शन से कितना कितना नंबर होगा आपको मैं बताता रहूँगा। चलिए तो डी नंबर पोर्शन आप अच्छे से देख लीजिए। प्रोस क्या क्या आएगा, ए लेटर टू गॉड आएगा, नेल्सन मंडेला आएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जैसे कि कूर्ग आएगा, टी फ्रॉम आसाम आएगा, मैडम राइट्स द बस आएगा, हाफ ईयरली में 29 और फाइनल में 26 मार्क का होगा, ठीक है, हाफ ईयरली में 29 मार्क्स और फाइनल में 26 मार्क्स। और पोइट्री सेक्शन में ए टाइगर इन द जू आएगा, अमांडा एनिमल्स, द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये 5 पोएम आएगा, ठीक है। और पोएम में से हाफ ईयरली में 15 मार्क और फाइनल में 13 मार्क, ओके, समझ में आ गया। प्रोज से आएगा 29, पोएट्री से आएगा 15, ये रहा हाफ ईयरली का। और प्रोज से आएगा 26, पोएट्री से आएगा 13, ये है फाइनल का, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन नंबर ई। ई सेक्शन सप्लीमेंट्री रीडर है ये, फुटप्रिंट विदाउट फिट, यहाँ पर 4 चैप्टर ही आएगा, जैसे द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट एंड द हैक ड्राइवर। चैप्टर बहुत सारा है लेकिन आएगा सिर्फ 4, और ये सेम टू सेम मार्क है, हाफ ईयरली में भी 14 मार्क एंड फाइनल में भी 14 मार्क। तो टोटल हमारा थियोरी कितना है, हाफ ईयरली में भी 90, फाइनल में भी 90। इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वगैरह, ग्रामर वगैरह, हाफ ईयरली में 10 मार्क और फाइनल में भी 10 मार्क। टोटल ग्रैंड टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स, ठीक है। और ग्रामर देखिए यहाँ पर
इंटरनल असेसमेंट जो होगा स्पोकन इंग्लिश का होगा 10 मार्क्स, है ना, वही जो इंटरनल असेसमेंट है, टू बी इवेलुएटेड थ्रू स्पोकन इंग्लिश ऐप। आपको ऐप दिया जाएगा ना, लास्ट ईयर भी दिया गया था, इस बार भी देगा ऐप। तो ऐप को आपका सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आपको टेक्सटबुक स्कूल से ही देगा, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट उदा ये भी देगा, और एक ग्रामर देगा एंड अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 और 10 ग्रामर बुक देगा। वही ग्रामर से आपको पढ़ना है, ठीक है, उसी ग्रामर बुक से ही आपका क्वेश्चंस पूछेंगे फाइनल में। तो ठीक है, यही है छोटा सा सिलेबस आपका, और इसका टेस्ट पेपर मैं लेकर आऊँगा। बस सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल।